क्या करूं मैं इस चश्मिश का? चश्मा बन के मेरी आंखों पे बैठ गई है, ना लगा सकता हूं ना हटा सकता हूं। मैं तो फिर भी लोगों को गाना सुना सुना के अपना फैन बनाता हूं, लेकिन ये बिना कुछ किए ही लोगों को अपना फैन बना लेती है। और अब ये करवा चौथ का क्या नया ड्रामा है जो मुझे उम्र कैद दिलाना चाहती है? अरे वो मेरी लंबी उम्र के लिए फांस रखेगी? हाँ आने दो उसे, इससे तो मैं मेरी माँ। देखो अब तो मेरे वर्ड्स भी खत्म हो गए, अब जल्दी से अपना ये सस्पेंस खत्म करो और बताओ कि तुम ये सब कुछ कैसे करती हो, कैसे इन सबको उल्लू बनाती हो? कहीं तुम इनकी मन की बातें तो नहीं पढ़ लेती? शायद। अच्छा ओके देन बताओ कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ? पेंट हाउस प्लेबॉय। आप सोच रहे हैं कि टेल मी कि मुझे क्या सजा देनी? ये तो सच में मन की बात पढ़ लेती है तब तब भी जाकर मेरा कोई प्लान पूरा नहीं होता, इसे पहले से ही सब कुछ मालूम होता है। लेकिन आप मुझे गलत नहीं सोच रहे, मुझसे गलती हुई है तो मुझे सजा भी मिलनी चाहिए ना। मेरी वजह से आपको एक और रात पुलिस स्टेशन में गुजारनी पड़ी, अब जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। ये मीठे बातों का माया जाल ना मेरे ऊपर मत डालो, समझी? तुम मेरी मन की बात पढ़ सकती हो लेकिन मेरे मन को पिघला नहीं सकती। और ये क्या नया करवा चौथ का ड्रामा शुरू किया है? दादी जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। देखो अपना ये सब नाटक ना अपने मायके में करना, मेरे सामने मत करना। तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा ना तो मेरी उम्र बढ़ने के पहले घट जाएगी। देखिए ये रीति रिवाज है, इनके बारे में उल्टा सीधा मत कहिए। मुझ पर जो गुस्सा निकालना है निकाल दीजिए। गुस्सा तो मैं निकालूंगा ही, और साथ ही साथ ना तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। चलो मुर्गा बना। बैड आइडिया। तो एक काम करो, तुम एक पैर पे खड़ी रहो और जब तक मैं ना बोलू ना तब तक उस टांग को नीचे मत करना। कम ऑन। हो गई ना हवा टाइट। क्या बोल रही थी तुम? मुझे सजा दो, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बढ़िया ही पनिशमेंट करने वाली। तुम जाओ यार, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। पता नहीं कहाँ से नया ड्रामा कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम एक मिनट के लिए करोगी और उसके बाद बोलोगी कि मेरी सजा खत्म हो गई? हाँ तो एक काम करो, देखो मैं दो चार दिन से ना नहाया नहीं हूं तो अब मैं अंदर जाऊंगा, नहाऊंगा, घसूंगा अपने आप को। शायद एक घंटा लग जाए, शायद दो घंटा लग जाए, शायद चार, लेकिन तब तक के लिए तुम अपने पाँव को जमीन पर नहीं रखोगी। अगर तुमने इस पाँव को जमीन पर रखा ना तो मैं तुम्हारे दोनों पाँव के ऊपर टांग दूंगा। वाह क्या स्टैमिना है पास। अब समझ में आया तुम्हें पक 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 करने की हिम्मत कहां से आती है। वैसे तुम्हें कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, इंडिया के लिए दो चार मेडल ले आओगी तो। तुम हंस क्यों रही हो? तुम हंस रही हो इसका मतलब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब तुम नाटक कर रही थी, यानी कि जब मैं अंदर गया था तुमने अपना पाँव नीचे रख दिया। नहीं, दरवाजे की खुलने की आवाज सुनते ही तुमने अपना पाँव उठा लिया। मैं चीटिंग नहीं करती, खासकर जब खुद को सजा देनी हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। पर अब तो मेरे सामने तुम चीटिंग कर भी नहीं पाओगी क्योंकि अब तुम्हें ये पनिशमेंट मेरे सामने करना होगा। चलो हाथ ऊपर करो, रॉकेट नहीं प्लेन बनो। अब निकल लो, खड़ी रहो यहाँ पर। चेंज इन प्लान। चल पैर ऊपर करो। दोनों पाँव ऊपर कर लूंगी तो खड़ी कैसे रहूंगी? चल पूछ लियो, योगा नहीं करती? मैं तो चेक कर रहा था कि तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो कुछ ज्यादा ही तेज है। अरे सुनिए, ऊपर खाली है, छत पे नहीं सर पे। अच्छा यहाँ भी कुछ रख दीजिए। मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मजाक नहीं लग रहा है, लेकिन आज पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, जब कोई अपना सजा देता है ना तो अच्छा ही लगता है। ए रिलैक्स, टेक इट इजी। और जब तुम्हें कोई चीज अच्छी लगती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। काम करो, पनिशमेंट खत्म। हाँ, ऐसे कैसे खत्म? पैर नीचे रखो। नहीं, मैंने कहा पैर नीचे रखो। अभी पनिशमेंट पूरी नहीं हुई। हो गई पूरी, चलो पैर नीचे करो। नहीं, मैंने कहा पैर नीचे। क्या कर रही है? गिर जाएगा। अरे अरे गिर गया, गिर गया। ओ Hey!
किस तरह सो रहे हैं? ऐसे ही सोते रहे तो गर्दन में बल पड़ जाएगा, फिर सारा दिन टेढ़ी गर्दन लेकर घूमते रहेंगे। क्या कर रही थी तुम? तुम मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी ना, ताकि खुद बेड पर सो सको। देखो दिन ब दिन तुम कुछ ज्यादा ही फैलती जा रही हो, समेटो अपने आप को। अगर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की ना तो मैं तुम्हें हंस रही हूँ मुझ पर। नहीं वो मैं वाकई ये देखो मैं तुम्हें ये देना नहीं चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बेड पर वॉमिट करो। रोको उसे और पियो इसे। मैं नहीं पी सकती, मेरा करवा चौथ का व्रत। सोचो एक अगर बिल्ली मौज को चली, हज को चली, अरे कहीं भी चली, नाटक ही करने चली ना, जो तुम कर रही हो। देखो इस कमरे में अभी सिर्फ हम दोनों ही है, तीसरा कोई नहीं, और मुझे तुम्हारी असलियत पता है, पियो इसे। मैं नहीं पी सकती ना। देखो अगर तुमने वॉमिट कर दी ना तो मैं उस वॉमिट को वापस तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा, पियो इसे। ओ अब समझ में आया, तुम पानी इसलिए नहीं पी रहे हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि दादी तुम्हें पानी पीते हुए देख लेना। अरे डोंट वरी, मैं दरवाजे पे खड़े रहकर देखता हूँ, अगर कोई आता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम पियो ना। अरे मैं नहीं पी सकती, मैं आपको। अरे 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 अभी ये तू क्या कर रहा था, इसे पानी पिला रहा है? तुझे पता नहीं आज इसका करवा चौथ का व्रत है? हे भगवान, अभी तो तेरे पे पाप चढ़ जाता था। देख अभी अगर तू इसी तरह इसको सताता रहा ना तो मैं जाके दीदी को सब बता दूंगी। नहीं प्रज्ञा बेटा, इले ये साड़ी पहन के ना आज तुझे पूजा में आना है, और ये देख मैं खास तेरे लिए जवेरी पल के रिंग लाई हूँ, इसे जरूर पहनना बेटा, ठीक है? अभी अब है ना इसके सामने कोई खाने पीने की बात नहीं करना। हाँ पनीर मक्खन वाला, सब्ज़ तो प्याज़ा, भिंडी कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं। तुमसे बड़ी जादूगरनी मैंने आज तक नहीं देखी, तुम्हें कैसे पता चल गया कि दासी आने वाली है? इसलिए तुमने पानी नहीं पिया, और जब तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कम से कम मुझे डांट तो नहीं पड़ती। मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है पेट में, इसीलिए मैं शाही पनीर भिंडी। क्या हुआ मेरे बच्चे? कुछ नहीं दादी, वो दरअसल समझ गई, एसिडिटी होगी है ना, खाली पेट में एसिडिटी हो जाती है। चल चल तू मेरे साथ चल चल। इसकी तबीयत और खराब होती जा रही है और पूरा दिन सर पे पड़ा हुआ है। प्रज्ञा बेटा तू ऐसे कर, व्रत तोड़ दे और दवाई ले ले। नहीं बेटा अगली बार रख लेना ना। नहीं दादी, मेरा पहला करवा चौथ है ना, मैं नहीं तोड़ सकती। आप चिंता मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं बस अब मुझे व्रत तोड़ने के लिए मत कहिए। देखा कैसे छटपटा रही थी, वैसे ही जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना। फड़फड़ाने दो और छटपटाने दो, जितनी हिम्मत ये बहन जी दिखा रही है ना, ये सारी हिम्मत टूटने वाली है। You just wait and watch. You are right. अब जैसे ही इसका फास्ट टूटेगा मैं फास्ट रखूंगी और सबको ये प्रूव करूंगी कि अभी के लिए इस बहन जी से ज्यादा मैं बेटर हूँ। तो कैसे मैनेज करेगी बेटा, ऐसे तू बीमार हो जाएगी। नहीं दादी मैं बस मेरा बच्चा सतगुरु मान जा मेरी बात, तू पति की सलामती देख रही है ना, तो तेरी सलामती कौन देखेगा? अगर तू व्रत नहीं रखेगी तो अभी बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, जानता है तू कितना प्यार करती है उसे, मान जा बेटा। हाँ मेरा बेटा, चल चल चल। हाँ मेरे बच्चे, आलिया मुझे समझ में नहीं आता
लोग व्रत भूखा रहने के लिए रखते हैं या खाना खाने के लिए? हाँ वैसे मैं समझती हूँ कि सुबह सुबह कुछ खाने का रिवाज होता है, पर इतना ज्यादा खा लो कि खुद की तबीयत ही खराब कर लो। You know what, मैंने भी सुना है कि ये so-called जो ये tradition होता है ना, ये सुबह उठ के खाना सरगी, if I'm not wrong, इसमें ladies light खाती हैं। अब कौन कहता है इतना heavy खाने को? समझ में नहीं आता इस बहन जी ने इतना heavy खाया क्यों?